हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं हूं रवि। आप देख रहे हैं आरके इंडियन टेक। आरके इंडियन टेक के इस नए वीडियो में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। अगर दोस्तों आपके आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी लिंक नहीं है, या लिंक है लेकिन आप उसे अपडेट कराना चाहते हैं, तो आप अब घर बैठे करवा सकते हैं। इंडिया पोस्ट ने एक ऐसी सर्विसेस लॉन्च कर दी है जिससे कि आप ऑनलाइन घर बैठे यानी कि आधार कार्ड में मोबाइल नंबर को लिंक या चेंज करवा सकते हैं। तो चलिए इसका कंप्लीट प्रोसेस हम इस वीडियो में आपको दिखाते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दीजिए, जिससे कि हमारे हर वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए ज़्यादा समय को वेस्ट नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको इस पेज पर चले आना है। इस पेज का लिंक हम अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, उस लिंक पर क्लिक करके आप यहां वन क्लिक में आ सकते हैं। दोस्तों इस पेज पर आने के बाद आपको इसका इंटरफेस कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। सबसे पहले दोस्तों आपको यहां से अपना नेम को भर लेना है, जो भी आपका नेम है आपको यहां से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहां पे अपना एड्रेस को फिल कर देना है, जो भी आपका एड्रेस है आप यहां से फिल कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों आपको जो भी पिन कोड है आप यहां से सिलेक्ट कर लीजिएगा। पिन कोड को फिल करने के बाद दोस्तों आपको यहां से एक ईमेल आईडी को सिलेक्ट कर देना है, यानी कि फिल कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहां पे आप अपना मोबाइल नंबर को फिल करना है। जो भी मोबाइल नंबर को आप यहां पे लिंक करना चाहते हैं उस मोबाइल नंबर को आपको यहां पे फिल कर लेना है। फिल करने के बाद दोस्तों आपको यहां सिलेक्ट सर्विस, इस पे आपको क्लिक करना है। उस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहां IPPB आधार सर्विस पे आपको क्लिक कर देना है। उस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको ऊपर को स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद दोस्तों आपको यहां से यानी आधार सर्विस का भी दो तरह का यानी कि सर्विस चलता है। UDI चाइल्ड 0 से 5 ईयर आधार इनरोलमेंट, यानी यहां पे आप छोटा बच्चा का भी आधार कार्ड अपने घर से बैठे बनवा सकते हैं। यहां फिर दूसरा ऑप्शन आता है UIDAI मोबाइल ईमेल आधार लिंकिंग अपडेट। तो आपको यानी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को अपडेट कराना है तो आपको यहां से दूसरे वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। उसको सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहां जनरेट OTP पर आपको क्लिक करना है। जनरेट OTP पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके जो यहां पर आप मोबाइल नंबर दिए हैं उस पर एक OTP सेंड किया जाएगा। उस OTP को फिल कर लीजिएगा। उस OTP को फिल करने के बाद दोस्तों आपका यहां से यह एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद दोस्तों आपके घर पर कुछ दिनों के बाद इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के तरफ से आपके घर पर एक एजेंट को भेजा जाता है। आपके पास एक एजेंट आएगा और आपको बायोमेट्रिक स्कैन करेगा और 50 रुपये का फी लेने के बाद आपका यानी कि मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को अपडेट या लिंक कर दिया जाएगा। तो दोस्तों इस प्रोसेस को फॉलो करके आप घर बैठे अपने आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर को लिंक करवा सकते हैं। आशा करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दीजिए, जिससे कि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।